संगम टेस्ट और ट्रेडिशन का। रविवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कवर्धा पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इससे नाराज प्रतिनिधि मंडल ने धरना दिया और सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि कवर्धा में बड़े पैमाने पर बाहर से लाकर वर्ग विशेष के लोगों को बसाया जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पत्थरबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की जय, पुलिस की प्रवर्तन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अत्याचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पक्षपाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की। कवर्धा में और आसपास में एक विशेष वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाहर से आए, जिनका राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी शिनाख्त हो, उनकी जांच हो और जो फर्जी लोग हैं उनका राशन कार्ड निरस्त। कवर्धा में और आसपास में एक विशेष वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाहर से आए, जिनका राशन कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी शिनाख्त हो, उनकी जाँच हो और जो फर्जी लोग हैं उनका राशन कार्ड निरस्त। कवर्धा जल रहा है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, अपने नेताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं और यहाँ जो परिस्थिति निर्मित हुई है वो स्थिति निर्मित करने के लिए अगर कोई दोषी है तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है, यहाँ से जो विधायक और मंत्री हैं वो दोषी है। सीट किसको कहते हैं? प्रदेश के जनता ने विकास के लिए दिया है, लेकिन विकास के बजाय ये पूरी सरकार कुर्सी दौड़ में लगी हुई है। जितने घटनाएं हो रही है वहां पर सिलगेर की घटना, जब आपको यूपी जाने के लिए समय है तो सिलगेर की घटना में जब आदिवासी मारे गए क्या वहां नहीं जाना चाहिए? जब आप देखे हैं कि यहां पर सूरतपुर के बलरामपुर की घटना हुई, लगातार वहां पर पंडो जहां पर संरक्षित जाति जहां पर मृत्यु को हो रहे हैं, क्या सरकार के अमला को मंत्री को नहीं जाना चाहिए? क्या जवाबदार व्यक्ति को जाकर के उनके मृत्यु को कैसे रोक सके इसके लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये केवल राजनीति की सियासत कर रही है। इतने बहुमत के बाद में जनता ने सेवा के लिए दिया है, लेकिन ये सरकार आपस में उलझी हुई है और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है।